बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार कब क्या कर दें कुछ पता ही नहीं चलता, कब पलटी मार ले ये तो और पता नहीं चलता। वैसे इस वक्त वो एनडीए के साथ हैं और मोदी जी की चापलूसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जब से सरकार की चाबी उनके हाथ में आई है तब से तो चापलूसी की हद ही पार कर दी है। अब पता नहीं साहब को कौन सा पद चाहिए, कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है, लेकिन उसके लिए अब आपको 2029 तक इंतजार करना होगा। लेकिन उस वक्त अगर आप एनडीए के साथ रहे तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप नीतीश कुमार है ना, कभी इधर तो कभी उधर। तो बढ़ते आगे बताते हैं कि माजरा क्या है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार साहब पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ देख रहे हैं। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या नीतीश कुमार ज्योतिष भी है क्या। बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम का एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर अगल बगल में बैठे थे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तभी अचानक नीतीश कुमार पीएम मोदी का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी उंगली देखने लगते हैं। नीतीश कुमार जब पीएम मोदी का हाथ पकड़ते हैं तो वो भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं और साथ ही मोदी के पीछे बैठे सुरक्षा कर्मी भी चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं तो पीएम मोदी भी नीतीश कुमार की ओर झुकते हैं और दोनों के बीच कुछ बात होती है। फिर नीतीश कुमार अपने हाथ की उंगली पकड़ते हैं और मोदी को कुछ बताते हैं। इसके बाद दोनों मुस्कुराने लगते हैं। आसपास बैठे नेता भी यह देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही विपक्ष इस पर जमकर मजे भी ले रहा है। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने मोदी की चापलूसी की हो। इससे पहले भी संसद में एनडीए नेताओं की बैठक के दौरान गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता पार्लियामेंट में मौजूद थे। उस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे, हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें पूरी विनम्रता के साथ रोकने की कोशिश की थी। नीतीश द्वारा पीएम मोदी के पैर छूने की कई लोगों ने आलोचना भी की थी। प्रशांत किशोर ने तो ये कहा था कि 13 करोड़ लोगों का नेता हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, मगर पूरे देश के सामने झुककर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये आदमी नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है, जबकि इसके हाथ में ही केंद्र सरकार की चाबी है। इस आदमी ने मोदी के पैरों पर झुककर बिहार की इज्जत बेच दी है। जी हाँ, वही जिस तरह से नीतीश कुमार ने मोदी का हाथ देखा उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि आज श्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री जी के सूख कर पतले हो रहे हाथ पैर को गौर से देखा और उनके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ में लेकर देखा और सवाल पूछे कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी के हाथ की उंगलियां अब बच्चों जैसी क्यों होती जा रही हैं। प्रभु उन्हें स्वस्थ रखे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है, कुछ तो गंभीर मामला है। कभी मोदी जी का पैर छू लेते हैं, कभी हाथ छूकर देख रहे हैं। मयंक यादव लिखते हैं कि नीतीश कुमार 12 सांसद लाकर मोदी से खेल रहे हैं, उंगलियां चेक कर रहे हैं। यही पूर्ण बहुमत था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मोदी को टच भी कर ले। शिवम यादव लिखते हैं कि नीतीश कुमार को कोई बीमारी है क्या, आजकल अचानक से अजीबोगरीब हरकत करते दिखते हैं। कभी 400 पार को 4000 पार कई बार बोलते दिखे, तो कहीं मोदी के पैर छूते दिखे, आज हाथ पकड़कर पता नहीं क्या देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अपने मंत्रियों के सिर लड़ा रहे थे। आदित्य तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं कि वोटिंग वाली स्याही आपकी छूट गई कि नहीं, हमारी भी है। अभी अचानक से पीएम मोदी के बाएं हाथ की उंगली देखने लगे सीएम नीतीश कुमार। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।